बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 शक्तिशाली मंत्र। पहला, बाल संरक्षण मंत्र, ओम नमो भगवते गरुड़िया व्योम कसाय स्वस्थ यस्तु स्वाहा। मंत्र लाभ, अपने बच्चे की पूर्ण सुरक्षा के लिए इस मंत्र का जाप करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर लगभग 101 बार इस मंत्र का जाप करें। इसे अपने बच्चे के माथे पर लगाएं, ठीक जैसे आप अपने बच्चे के माथे पर तिलक लगा रहे हैं। सेकेंड, ओम। ओम मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र। ओम मंत्र, इस मंत्र की खूबियाँ ये हैं कि इसका जाप आप अपने बच्चों के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। इस मंत्र का प्रभाव सर्वप्रिय है और इसलिए आपके बच्चे की अच्छी वृद्धि को बनाए रखेगा। तीसरा, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति मंत्र, ओम सुचीर मार्केर बृहस्पतिम अध्वरेशु नमस्यता। मंत्र लाभ, इस मंत्र का जाप करने से आप वास्तव में बृहस्पति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें गुरुवार का देवता कहा जाता है। यदि आप इस मंत्र का 21 बार विशेष रूप से गुरुवार को जाप करते हैं, यह आपके बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा और उपचार शक्ति को बढ़ाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से लड़कर छोटी मोटी बीमारियों को दूर रखेगा। शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में 5 ध्वनियाँ हैं, ना म शी वा या, जो 5 तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह सभी 5 ध्वनियाँ इस प्रकार हमारे शरीर में 5 अलग अलग चक्रों को सक्रिय करती हैं, जबकि छठा चक्र ओम के द्वारा सक्रिय होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करें और अपने बच्चे की भलाई के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। पांचवा, बाल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना, व्याम वशिष्ठया नमः। मंत्र लाभ, महर्षि वशिष्ठ एक पवित्र आत्मा है जो सर्वव्यापी है। बहुत से लोगों की उनकी आत्मा में विश्वास है क्योंकि वो शुद्ध और सुंदर हैं। यदि आप इस मंत्र को जपने से पहले प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं तो अच्छा है। जब आप सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो आप में सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। श्वास अभ्यास के बाद इस मंत्र का 21 बार जाप करें। यह आपके लिए उपरोक्त मंत्रों का जाप शुरू करना और अपने बच्चों को खराब स्वास्थ्य से बचाने का समय है। आपको जितना भी नाम जाप करना है उन सभी में विश्वास करना होगा, ताकि जो ऊर्जा आप भेजते हैं और जो प्रार्थना आप करते हैं वह स्वीकार हो। कोई भी मंत्र तभी काम करता है जब आप उसमें अपने दिल से करते हैं, जब आप उन पर विश्वास करते हैं। मंत्र के एक एक शब्द पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है तो कई बार वह बिना किसी कारण के कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरता है। ये ऐसे समय होते हैं जब आप आम तौर पर उसकी शुद्ध आत्मा को प्रभावित करने वाली नकारात्मक ऊर्जा के बारे में चिंतित होते हैं। ऐसे समय के दौरान आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उसकी और उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। यदि आपका बच्चा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहा है या फिर उसमें नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है तो पूरे दिल से उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ हिंदू मंत्र हैं जो वास्तव में आपकी मदद करेगा, यदि आप उसमें अपनी मातृ ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से जपेंगे।